ये हमारे पास आ रहा है कैडेवेरिक लिवर, ठीक है। दिस इज द राइट लोब ऑफ द लिवर, दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, दिस इज द फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। और एंटीरियरली हमारे पास ये एक तरीके से इंटरलोबार नॉच होती है। ये हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर आ रहा है, एंटीरियर सर्फेस, सुपीरियर सर्फेस, राइट सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस, इन्फीरियर सर्फेस एंड द इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक हो गया। पोस्टीरियर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट का ये राइट आ रहा है, ये हमारे पास लेफ्ट आ रहा है। दिस इज नोन एज द, अब अगर हम बात करें क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब और राइट लोब ऑफ द लिवर के दरमियान हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा, देखो कितनी प्रोमिनेंट नजर आ रही है हमें, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अब यही हमारे पास क्या कहते हैं होती है, कॉर्डेट लोब, कॉर्डेट लोब होती है। और ये हमारे पास आ रहा होता है राइट लोब, और इन दोनों के दरमियान गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, ये यहाँ करके नेक होती है, ठीक है। अब ये देखो ये कॉर्डेट लोब थी, इसके यहाँ करके हमारे पास आ रहा होता है द लिगामेंटम विनोजम, और ये आ रहा होता है हमारे पास लिगामेंटम इरीज, ठीक है। और बात अगर की जाए हमारे पास क्या कहते हैं, हाँ, पोर्टा हेपेटिस के अंदर, ये बेसिकली दिस इज द पोर्टा हेपेटिस, हमें जो नजर आ रहा है ना वो हमें आ रही है पोर्टल वेन नजर आ रही है, ठीक है। और ये देखो ये इतनी बड़ी ल्यूमेन वाली, ये इतने हमने पहले बता दिया इन्फीरियर वेना केवा, और ये ऊपर से भी हमें इस तरीके से ये इन्फीरियर वेना केवा नजर आ रही है, ठीक है। और इंप्रेशन की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास ऊपर जो होता है ना, छोटा सा इंप्रेशन होता है ऑफ द ईसोफेगल इंप्रेशन, ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन आ रहा होता है राइट कॉलिक फ्लेक्चर के लिए, या हेपेटिक फ्लेक्चर का इंप्रेशन आ रहा होता है। ये हमारे पास इतना बड़ा रीनल राइट किडनी का इंप्रेशन आ रहा होता है, और यहां करके हमारे पास द राइट सुपरा रीनल ग्लैंड का इंप्रेशन आ रहा होता है। एंड आई थिंक फिनिश।